वहीं शहर के चौराहों की चौड़ीकरण की जद में आ रहे 50 साल से अधिक पुराने लगभग 11 वृक्षों को शिफ्ट किया जाएगा। इन वृक्षों को चिन्हित करने के लिए प्रशासन, वन विभाग और लोक निर्माण विभाग ने संयुक्त सर्वे किया है। डीएम के निर्देशानुसार शहर के प्रमुख 13 चौराहों और तिराहों का चौड़ीकरण और विकास किया जाना है और इस चौड़ीकरण में कई सड़कों और चौराहों पर पुराने वृक्ष आ रहे हैं, जिसके चलते हाल ही में हुई बैठक में डीएम ने इन वृक्षों को काटने के बजाय शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे। देखिए, जो चौराहे चौड़ीकरण का और रोड चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, इसमें कुछ पेड़ जो हैं वो सड़क के मध्य में और विस्तारीकरण जहाँ पे हो रहा है उसके बीच में आ रहे हैं, तो लगभग 250 के आसपास पेड़ हमारी की संख्या है, छोटे और बड़े मिला के। और इसमें जो बड़े पेड़ हैं उनको बचाने का भी प्रयास किया जा रहा है और कल कुछ एक्सपर्ट भी बुलाए गए थे जो पेड़ वगैरह की शिफ्टिंग करते हैं। अगर शिफ्टिंग के लिए पेड़ सक्सेस होते हैं और योजना इस तरह की बनती है तो फिर इसको जो हमारी निर्माणाधीन गौशाला है उसमें शिफ्ट करने का योजना बनाई जाती है। सर, चौड़ीकरण कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? अभी मुख्यतः हमारे 13 चौराहे का चौड़ीकरण है, इसके साथ ही नारीवन से लेकर के जो काठगोदाम रेलवे स्टेशन का चौराहा है वहाँ तक का और रोडवेज से लेकर मंगल पड़ाव तक का चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। कुछ स्थानों पर क्योंकि न्यायालय, माननीय न्यायालय का स्टे भी है तो उसको भी देखते हुए अभी कुछ स्थानों पर काम देखिए, समय समय पर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जाती है और क्योंकि समय सीजन का टाइम भी है तो निश्चित तौर पर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी की जाएगी।